Hello everyone, I am Shivam Gupta Anaran, founder of Mock Zone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are planning to prepare for a SNAP 2021 exam, because in this video, I'm going to discuss about SNAP 2020 score versus percentile. So guys, this video is extremely important because a lot of people are coming to us regarding the score versus percentile. Ki, sir, if I have so much score, then 2-3 numbers will come, so it will come. A lot of people think that 2-3 marks are less, 2-3 percentile are less. But guys, it's not like that. You have drastically percentile reduced. आपको मैं दिखाऊंगा सारे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, मतलब थोड़ा 70 परसेंटाइल के अराउंड तक कि कितना स्कोर आ रहा है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि गाइस यहां पे ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे आप डाउन जाते हो, आपका थोड़ा से स्कोर चेंज में आपका बहुत ड्रास्टिक परसेंटाइल चेंज आ जाता है। इसलिए यहाँ पे आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप अगर 2-3 टॉपिक छोड़ के गए और वो आप टॉपिक नहीं कर पाए एग्जाम में, तो आप समझ लो कि आपका SIBM पुणे कन्वर्ट हो जाएगा SIIB पुणे में। ठीक है, तो आपका जो 18 लाख का पैकेज था वो आपका हो जाएगा 10 लाख का पैकेज। तो आपको हर एक चीज पढ़ के जानी है, मेन मोटिव इस वीडियो का यही है। और काफी जगह आपको गलत परसेंटाइल और स्कोर दिया रहेगा, यहाँ पे आपको एक्चुअल स्कोर दे रहा हूँ मैं, जो आप जो हमने स्कोर कार्ड से ही लिया है बच्चों के। जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो गाइस, लाइक करने से वीडियो बना रहता है, काफी लोग हेल्प हो जाएगी। एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज लगातार वीडियो बन रहे हैं, बीटा स्ट्रेटजी बेस्ड वीडियो, बीटा कंटेंट बेस्ड वीडियो और बीटा नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो। चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम 60 मार्क्स का पेपर होता है, तो जो फर्स्ट बंदा है इसका मैं बता रहा हूँ, जिसका 49.25 स्कोर था उसका परसेंटाइल था 99.85। ठीक है, 49.25 अपॉन 60 आउट ऑफ 60। जिस बंदे का स्कोर था 47.5 उसका परसेंटाइल था 99.6। जिस बंदे का स्कोर था 96.5 उसका परसेंटाइल था, सॉरी 46.5 जिसका स्कोर था उसका परसेंटाइल था 99.26। ठीक है, ये स्कोर है, परसेंटाइल है, टाइप हो गया था। ठीक है, फिर आपका आता है, अभी यहाँ से तो ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा आपको, बट आगे आएगा। 45.5 स्कोर पे आपका था अराउंड 98.5 प्लस, थोड़ा सा डाउट इसमें है बट ये ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है बस, मतलब 45.5 में भी आपको कॉल आ गई थी। ठीक है, देन फिफ्थ वाला है, ये स्कोर इतना ज्यादा क्यों हुआ है, बिकॉज फर्स्ट लॉट काफी ईजी आ गया था। 44.25 भी अगर लाए थे आप तो आपका 98.25 आया था, जिससे वो कॉल आ गई होगी। देन वी हैव 44 के बाद अगर बात करें हम लोग 41 पे बेसिकली आपका परसेंटाइल था 95 के अराउंड, 41 मार्क्स पे आपका परसेंटाइल था 95। 3 नंबर कम हुए, परसेंटाइल काफी कम हो गया, अभी फिर भी ठीक है। अभी आगे देखो आप, सेवेंथ जिसका गाइस परसेंटाइल, जिसका स्कोर था 40 उसका परसेंटाइल सीधे 93 हो गया 95 से, समझ रहे हो। फिर आपका और ज्यादा देखो, 38 मार्क्स पे आपका आ गया 90 परसेंटाइल, 2 नंबर कम है, 93 परसेंटाइल कम हो गया। अब यहां से दिक्कत होगी, 35.5 पे आपका परसेंटाइल सीधे गिरता है कितना, 85 पे, और 34 पे आपका परसेंटाइल आता है 78। अब ये देखो कितना ज्यादा ड्रास्टिक है चेंज है, 85 से 78 चले गए आपका, डेढ़ नंबर कम हो गए। तो क्योंकि गाइस यहां पे आपको इसके पीछे बच्चे काफी हैं, ये एवरेज स्कोर रहा होगा, मतलब काफी लोग आया होगा इतना, 35.4, 35.3, 35.2 ऐसे, तभी इतने में इतने ज्यादा हो गया, समझ रहे हो। अब देखो आगे आपको और शॉक लगने वाला है, 30 मार्क्स पे आपका सीधे परसेंटाइल हो गया 70, और गाइस मैं आपको बताऊं तो आपको शायद शॉक लगेगा, 27.5 पे सीधे आपका परसेंटाइल हो जाता है 58। ये बहुत बड़ी चेंज है, क्योंकि इसके बीच में बहुत बच्चे थे इसलिए ऐसा हुआ, समझ रहे हो गाइस। तो आप अगर देखो तो आप कितना ज्यादा चेंज आया है, मतलब जो बंदे का 38 था और जिस बंदे का 30 था, या फिर आप 78 देख लो, 34 से 38 में कितना चेंज आ गया, 78 और 90। यहाँ देख लो 27 से 34 में कितना चेंज आ गया, 58 का सीधे सीधे नीचे गिरे, कुछ मिलेगा ही नहीं। यहाँ पे सबसे ज्यादा चेंज तो यही है, ढाई नंबर कम होने से आपको कुछ नहीं मिलेगा एग्जाम में, कोई कॉलेज नहीं मिलेगा अच्छा, सोचो, समझ रहे हो बात को। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको ये रियलाइज करना चाहता हूँ कि स्नैप में ऐसा होता है, हर साल होता था ऐसा, आपको अंदाजा नहीं होगा कि आपका इतना कम कैसे आ गया परसेंटाइल। आप अगर परसेंटाइल देखोगे सोचोगे यार ये कैसे हो गया इतना। ठीक है, मतलब मुझे याद है शायद 12-13 नंबर पे तो कुछ 6-7 परसेंटाइल था, ऐसा कुछ था, हाँ याद आ रहा है मुझे, ऐसा बहुत ही अजीब था भाई। तो गाइस आपको क्या करना है, डरने की जरूरत नहीं है, आपको वैरायटी करनी है, काफी लोग वैरायटी नहीं करके जाते हैं, ये एग्जाम ही ऐसा, यहाँ पे 1-2 साल से नहीं होता है, आपका 50 दिन में आराम से निकल जाएगा, प्रोवाइडेड आपने हर चीज पढ़ी है, क्योंकि आपने कोई भी वैरायटी छोड़ी आपका सीधे SIIBM पुणे में हो जाएगा। कंगारू वर्ल्ड इज अ डिसाइडर, ऐसा बोल सकते हो, कंगारू वर्ल्ड कंपाउंड वर्ल्ड छोड़ के गए आप, कंगारू वर्ल्ड आपको भारी पड़ जाएगा,
मतलब ये कह लो कंगारू वर्ड कंपाउंड वर्ड आपकी फ्यूचर डिसाइड करेंगे, ऐसा बोल सकते हो अगर आप छोड़ के गए हो तो, क्योंकि दो वर्ड्स आपको नहीं आते हैं क्योंकि पता ही नहीं होगा तो करोगे क्या, और दो चीजें आपने छोड़ी और दो नंबर छोड़ने में कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। तो इन शॉर्ट आपको इस टाइम पे हर चीज पढ़नी है। मैं आपको बार बार वीडियो में बोल चुका हूँ कि आपको टफ पेपर नहीं आता है ज्यादा, मेन चीज है वैरायटी, लोग लेके आते हैं नंबर, आप हर वैरायटी करके जाओगे मैं मान नहीं सकता नंबर रहा है, ठीक है, पॉइंट्स वी आर सी एल आर डी कुछ भी हो आराम से करके आओगे, ठीक है। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में करूंगा इस, काफी हो सकता है अभी टाइम नहीं है, अभी पूरा टाइम है अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो, अगर आप ढूंढोगे यहाँ वहाँ बैठ के तो आपका टाइम नहीं है बिल्कुल, अपने आप चाहे 10 घंटे पढ़ लो नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो, क्योंकि आप लोग काफी सर्च करते हो यहाँ वहाँ देखते हो पीडीएफ मिल जाए ऐसे मिल जाए, ऐसा होता नहीं कुछ, एक स्ट्रक्चर प्रॉपर में करोगे निकल जाएगा प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ विद 3-4 साल के प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो गाइस जो लोग का कैट, जैसे कुछ लोग का कैट बेकार हो रहा है, कैट में नहीं आ रहा नंबर, तो काफी लोग क्या करते हैं कैट को छोड़ नहीं रहे हैं, कैट में नंबर आ रहे हैं 4 वीए में तब भी करेंगे वीए कि कैट निकालना है, ऐसा क्यों कर रहे हो, नहीं आ रहे नंबर तो उसको काम, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल छोड़ दो, करो बट ध्यान दो नॉन कैट में, आप लोग ऐसे ही पूरा साल बर्बाद करते हो अपना, अगर कैट नहीं हो रहा है तो छोड़ो आगे बढ़ो। नॉन कैट में आपके पास कम से कम 15 कॉलेज में गिना सकता हूँ आपको, जो आपको एनमैट स्नैप सीमैट से 9.5 लाख का पैकेज दे देंगे, कम से कम 15 कॉलेज ऐसे, और आपको निकालना बहुत ईजी, आपका साल बच जाएगा पूरा। तो नॉन कैट में सोच जाओ जिन लोगों का कैट में नहीं आ रहा है, ठीक है, पूरी तरह से मत करो, छोड़ो कैट, बट कैट को आप ध्यान कम दे के नॉन कैट में ध्यान दो, क्योंकि जब कैट के बाद आप नॉन कैट में आओगे तो बहुत देर हो चुकी होगी मेनली स्नैप के लिए, ठीक है गाइस। तो ये चीज है, तो एक स्ट्रक्चर में प्रिपरेशन करनी होगा तो आप लोग के लिए हमने बहुत डेडिकेटेड कोर्स निकाला हुआ है, बहुत ही इकोनॉमिकल, इसकी कॉस्ट पहले ज्यादा थी, स्नैप 2021 क्रैश कोर्स, यहाँ पे आपको पूरा हम लोग का इंटरनेट स्नैप का पोर्टल मिलता है जो हमने लाइव क्लास वाला स्टार्ट किया था, ठीक है, इसमें आपको हर एक जो भी हमारी क्लास हुई है क्वांट्स की एलआर की बीए की डीआई की या जो क्लासेस चल रही है सबका एक्सेस मिलेगा, ठीक है, आप यू कैन स्टार्ट वॉचिंग द रिकॉर्डिंग्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ाया गया है, मतलब बहुत ज्यादा रिव्यूज डेली रिव्यूज आते हैं हमारे पास क्योंकि हमने पढ़ाया काफी डिटेल में, नंबर्स की 8 क्लासें हुई है, पीएनसी प्रोबेबिलिटी की 10 क्लासें हुई है, कोई चीज छोड़ी ही नहीं है, इसके बाहर से आने के चांस ही नहीं कुछ आ जाए बाहर से, प्रोवाइडेड आपने अच्छे से पढ़ा हो तो, ठीक है। तो आपको मैं टाइम टेबल भी दूंगा कि आपको कैसे अपने आप से पढ़ना है, क्योंकि आप लोग ले लोगों तो आपको पढ़ना मन नहीं करेगा, तो हमने शेड्यूल बना कर दिया हुआ, ग्रुप बनाने वाला हूँ मैं, एक ग्रुप मैं सबको ऐड करूंगा स्नैप एंड मैट के, ठीक है, स्नैप क्रैश कोर्स के, सॉरी, वो रहेगा, प्लस आपको ये कोर्स सबकी रिकॉर्डिंग से मिलेंगी, साथ में लाइव जूम क्लास स्टार्ट हो जाएंगी 8 नवंबर से, जहाँ पे हम लोग एटलीस्ट 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अच्छे वाले फ्रॉम पास्ट स्नैप पेपर्स, वो कोई सब कुछ भी कर सकते हैं, क्या पता हम 2012 का पूरा क्वेश्चन उठा लें और कहें सॉल्व करते हैं, चलो ये तो लाइव डिस्कशन होगा विद रिकॉर्डिंग्स, ठीक है, तो ये चलता रहेगा आपका स्नैप तक, ऐसे आपका एलआर का बीए का सबका चलेगा, बाकी बहुत डिटेल में होता है नॉट ओनली कॉन्स, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी क्लास हुई थी, पार्ट ऑफ स्पीच की क्लास है पूरा आप फैकल्टी ने समझाया सारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच एंड 65 प्रैक्टिस क्वेश्चन किया लाइव डिस्कशन, फिर आपको मिलते हैं 15 फुल लेंथ स्नैप मॉक्स जो कि बहुत ज्यादा क्लोजेस्ट मॉक है गाइस, अगर आपको मॉक्स देने मैं बोलूंगा आपको 25 मॉक कम से कम लेना, ठीक है, और काफी ज्यादा हम लोग के अच्छे रिव्यूज आए हुए हैं मॉक्स के, आप देखोगे अपने ग्रुप में पूछोगे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है, बाकी आपको रिव्यूज ही मिल जाएंगे वेबसाइट में हम लोग, ठीक है, आपको फ्री मॉक मिलता है, फ्री मॉक आपको खुद लग जाएगा कि आइड लेवल क्या है इसका, काफी डिटेल एंड क्लोजेस्ट मॉक है हम लोग के स्नैप के, ये आपको उसमें मिलते हैं जिसकी कॉस्ट 1300 रुपए जो इसमें इंक्लूडेड है, एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल कोर्स है, 300+ प्रॉफिट टेस्ट, प्रॉफिट टेस्ट जो आपके होते हैं वो एटलीस्ट 575 है, 125 क्वांट्स के, बाकी आपके सबके 150 ईच फॉर क्वांट्स एलआर भी है, सबके बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, मतलब हर एक टॉपिक में एक्सपर्ट बन जाओगे, वैलिडिटी पोर्टल की 31 जनवरी तक है, इसको आप अगर अच्छे से किया तो आपके बाकी एग्जाम्स भी निकलेंगे और आपका चांस पूरा है, क्योंकि हम लोग खाली आपको ऐसे नहीं कि दे दिया पढ़ते रहे, ऐसा कुछ नहीं, सब पूरा मॉनिटरिंग होगी, पूछा जाएगा क्या हो रहा है, ग्रुप बनेगा और लाइव क्लास तो होनी है, 8 नवंबर से अच्छा हो जाएगा, तो जो लोग अभी भी अच्छा कुछ करना चाहते हैं इस स्नैप में अभी मौका है गाइस, देख लो काफी ज्यादा डिमांड है इसकी, आज ही काफी लोगों ने ले लिया, कई लोगों से आज ही काफी इनरोलमेंट्स आ गए, ठीक है, और ये एक अच्छा मौका है करने का, करोगे तो निकल जाएगा एग्जाम, ठीक है, बाकी तो आप खुद रिव्यूज दे सकते हो मॉक्स वगैरह के हम लोग, बाकी कोर्सेज के रिव्यूज में आपको आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको दिखाता हूँ रिव्यूज, डेली रिव्यूज आते हैं हम लोग के कोर्सेज के, ये मेरा नंबर है 8604734785, अभी कोर्स वेबसाइट पे नहीं आया, वेबसाइट में इसको अपडेट कर दूंगा बेसिकली, ठीक है, अभी आपको एनरोल करना है मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको डिटेल्स एंड रिव्यूज दे दूंगा, बाकी उसके अलावा नीचे लिंक है, लिंक से आप एनरोल कर सकते हो कोर्स के लिए, अगर गाइस आपको मॉक्स नहीं हो स्नैप के तो 15 मॉक्स की कॉस्ट 1299 है, बट आपको एनमैट स्नैप चाहिए हो तो 2000 के मिल जाएंगे आपको एनमैट प्लस स्नैप, 15 स्नैप प्लस 12 एनमैट, दोनों बहुत ही क्लोजेस्ट है, सस्ता पड़ेगा, बट कोर्स देखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय, ये जो कोर्स है ये आपका एनमैट में हेल्प करेगा, चलो गाइस।